कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने कमल सागर को पार्टी के अनुसूचित विभाग का मथुरा जिले का अध्यक्ष मनोनीत किया है। इस मौके पर पूर्व विधायक व पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने अनुसूचित जो उनका विभाग है, आज उसके मथुरा के जिलाध्यक्ष का दायित्व कमल सागर को दिया गया है। लखनऊ से इनको नियुक्ति पत्र मिला है, तो आज इनके सभी जो पार्टी के कार्यकर्ता उनके द्वारा स्वागत किया जा रहा है। और पूर्व विधायक प्रदीप माथुर के आवास पर आज यहाँ एक बैठक हुई है, इसमें सभी ने यहाँ कमल सागर को बधाई दी है। आइए जानते हैं कमल सागर से उन्हें ये नया दायित्व मिला है तो आगे पार्टी के हित में अब आगे क्या कार्य करेंगे, क्या रूपरेखा रहेगी आपकी। मैं पहले तो सभी प्रदेश के और अपने जिले के संगठन नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूँ। विधायक जी को, प्रदीप माथुर जी को, मेयर साहब मोहन सिंह जी को और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं आने वाले समय पर संगठन के लिए जी तोड़ मेहनत करूँगा और संगठन को और पार्टी को आगे बढ़ाऊँगा। विधायक जी, आज यहाँ पर कमल सागर को अब एक और आपके टीम में एक नए जुझारू युवा को दायित्व मिला है, तो संगठन को अब इससे क्या बल मिलेगा, आगे क्या स्थिति हो? देखिए, कमल सागर को आज जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति डिपार्टमेंट का अध्यक्ष बनाया गया है मथुरा जिले का। इससे पूर्व में ये सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित विभाग के सचिव थे और काफ़ी जुझारू कार्यकर्ता है। नया दायित्व मिला है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये ढंग से काम करेंगे और पूरे जनपद में अपने दायित्वों का पूर्ण करने के लिए गठन करेंगे। ब्लॉक स्तर पर जाएंगे और न्याय पंचायत स्तर पर जाके SC ST डिपार्टमेंट को के सहयोग से अनुसूचित जाति के लोगों को कांग्रेस की रीति और नीति बताएंगे, क्योंकि जो कुछ भी काम किया गया वो कांग्रेस के द्वारा किया गया। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को उस संविधान सभा का भी सदस्य कांग्रेस ने ही बनाया था और उन्होंने ही ऐसे संविधान की संरचना करी जो अपने आप में एक अनूठा संविधान है और देश उसी पर चला आ रहा है। तो उसी कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज इनको मथुरा ज़िले का अध्यक्ष बनाया है। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं और उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छी तरह काम करेंगे। साथ में निवर्तमान अध्यक्ष श्री हमारे विनोद आर्य जी यहाँ खड़े हैं, इनका भी इधर आइए, इनका भी मैं माल्यार्पण करता हूँ कि इन्होंने जितने दिन रहे काम अच्छा किया और ये एक दूसरे को इन्होंने भी बधाई दी है, वो फोटो आपसे शेयर करेंगे। ऐसा अनूठा उदाहरण कम मिलेगा। अधिकतर लोगों में इस तरह की भावना आ जाती है, हीन भावना, और बनने वाला पूर्ववर्ती अध्यक्ष को अपना दुश्मन समझता है, परंतु हमारे जो मेयर कैंडिडेट रहे हैं श्री मोहन सिंह जी, इनके तौर तरीके से इस तरह कार्यक्रम हुआ कि आपस में सामंजस्य बना रहा और मिठास बनी रही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे विनोद आर्य जी निराश ना हों, जब कुछ कोई चीज़ जाती है तो ईश्वर कोई ना कोई नई चीज़ उनके लिए सृजित करता है, और हमारे मोहन सिंह जी का आशीर्वाद भी इनको है, तो जब मोहन सिंह जी का आशीर्वाद इनको है तो इनको भी कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। मोहन सिंह जी, आपकी टीम में नया दायित्व कमल सागर को मिला, तो क्या मानते हैं आने वाले 2022 सही में 22 के चुनाव में कांग्रेस का जो छिटका हुआ वोट है, जो पहले कांग्रेस का ही हुआ था अनुसूचित जाति का, कितना उसको पार्टी में जोड़ने में यह सक्षम है? देखिए, कमल सागर जी युवा हैं और एक जुझारू कार्यकर्ता लंबे समय से पार्टी के हैं। मैं प्रदेश में अनुसूचित जाति विभाग का उपाध्यक्ष हूँ और आगरा मंडल का प्रभारी हूँ। इनको प्रदेश नेतृत्व ने ये जिम्मेवारी सौंपी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जो कार्य पिछले अपने 60 वर्ष के शासनकाल में किए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नौकरियां कांग्रेस के शासनकाल में मिली, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टे दिए गए, उनकी ऋण माफ़ी की गई, सबसे ज़्यादा MLA MP उनके बनकर के आए, और आपस में हर स्तर पर, चाहे वो गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, शहरी स्तर पर भी बड़ा सामंजस्य बना के कांग्रेस पार्टी ने रखा। फिर आपका वोट छिटक के बसपा की ओर क्यों मुड़ गया? अब बसपा में चला गया है वो वोट, वो एक अलग चीज़ है। कुछ लोग भ्रम में आ जाते हैं, अभी हम तमाम वोट जो है भाजपा में चला गया था, अब आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति हो गई है। झूठ बोल करके कोई भी वोट ले जाए कि ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, गलती तो हर उसमें होती है भाई। देश जिस स्थिति में स्वतंत्र हुआ 1947 में, उस समय क्या आर्थिक स्थिति थी, सामाजिक स्थितियां क्या थी,
करते हैं आपका पुनः वोट आपके पास आएगा। मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं और मेरा आशीर्वाद और मेरा सहयोग पूरी तरह से कमल सागर जी के साथ और आगरा मंडल में अनुसूचित जाति के लोगों को जोड़ने के लिए मैं पूरे रूप से पूर्ण रूप से तत्पर हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2022 के चुनाव में और इसके बाद 2024 के चुनाव में हम 100% वोट जो है अनुसूचित जाति जनजाति का कांग्रेस के साथ लाएंगे। आपने आज यहाँ पर कमल सागर को कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति का मथुरा का जिलाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। यहाँ प्रदीप माथुर विधायक हैं और मोहन सिंह जी हैं, तो मोहन सिंह जी ने बताया कि पहले विनोद आर्य जो अध्यक्ष थे, अब विनोद आर्य से अब दायित्व इन्हें मिला है और जैसा माथुर साहब ने बताया कि अब उन्हें भले ही अध्यक्ष पद जिलाध्यक्ष पद से उनका दायित्व दे दिया लेकिन उन्हें आगे नई जिम्मेदारी मिल सकती है क्यों। मोहन सिंह जी उन्होंने बताया कि उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो निश्चित ही इन्होंने दावा किया है कि आने वाले चुनाव में जो कांग्रेस का पहले वोट बैंक हुआ करता था अनुसूचित जाति का, उसको पुनः अब एक तरह से घर वापसी करने के लिए ये प्रयास करेंगे और यही दायित्व समझ कर कमल सागर को ये सौंपा गया है। और क्या कहेंगे कुछ? मैं पुनः अपने जो पूर्व जिलाध्यक्ष श्री विनोद आर्या जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने लगभग 1-1.5 साल के समय में जो अनुसूचित जाति के लोगों को जोड़ने के लिए ग्राम स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर जिला स्तर पर जो कार्य किया, मैं उसकी सराहना करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं उनसे कि वे निराश न हों, आगे उनको जो है कोई बड़ा दायित्व भी मिलेगा, थोड़ा समय का इंतज़ार करें वो जो है, इससे निराश होने की उनको ज़रूरत नहीं है। पार्टी में काम करें, कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, जैसे पहले काम करते थे काम करते रहें। और विनोद कमल सागर जी से भी मैं उम्मीद करता हूं कि विनोद आर्या जी के कार्यों के अनुभव से लाभ लेते हुए और वो अपने आगे बढ़ें, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलें, वो उनके बड़े भाई हैं, बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता बरकरार रखें। देखिए जो विधायक जी ने कहा, प्रदीप माधव साहब ने वही बात सारा दे दिया है मोहन सिंह जी ने, कि जल्दी ही आने वाले समय में विनोद आर्य को कोई जिम्मेदारी मिलेगी। जिन्हें न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी मथुरा।